गिरीश जी, जो रिपोर्ट सामने आई वो रिपोर्ट मैंने आपको विस्तार में बता दी, साथ ही वजह और लक्षण भी हमने आपके सामने रखे हैं। सवाल मेरा ये है कि आखिर युवाओं में ही ब्रेन स्ट्रोक के मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया इज द यंगेस्ट नेशन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। आज हम यू नो वी आर ऑलरेडी द बिगेस्ट पॉपुलेशन बट वी आर ऑल्सो द यंगेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड एक आपने बहुत ही स्कैरी स्टेटिस्टिक जो हमें बताई है, 31% ऑफ स्ट्रोक्स आर इन पीपल हु आर यंग और अंडर द एज ऑफ 13-35, एंड 80% जो है of the stroke risk is preventable. This is the most important thing to know. जो non preventable या जो non modifiable risk factor कह सकते हैं वो है age. और ये हमारे इंडिया में यंग एज में हो रहा है, ये आश्चर्य की बात है। और इसको द गुड न्यूज इज दैट 80% प्रिवेंटेबल है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। प्रिवेंटेबल फैक्टर्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाई ब्लड प्रेशर। आजकल तो ये नॉर्म हो गया है कि युवाओं में हाई ब्लड प्रेशर है, लोगों को लगता भी नहीं है कि ये बहुत बड़ी बात है। मेरे पड़ोसी को है, मेरे फ्रेंड को है, मेरे ब्रदर को है, तो मुझे भी है, सो व्हाट्स द बिग डील। अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट द वे इट इज सपोज टू बी। हाई ब्लड प्रेशर इज अ किलर, इनफैक्ट इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। सेकेंड चीज है डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज। इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हमारा शेयर ऑफ द पॉपुलेशन इज अबाउट 15%, बट वी आर होम टू 28% ऑफ द वर्ल्ड्स डायबिटिक्स। अ डबल बर्डन ऑफ डायबिटीज हमारे कंट्री में देखा जाता है। इसके साथ साथ आता है other things like, for example, exposure to toxins like cigarette smoke and lifestyle associated factors, lack of exercise, a previous koi heart condition hua ho ya previous TIA jaise warning signs hue ho, ye sabhi risk factors mane jate hain. Isme se strikingly preventable yani hamare haath mein change karne layak, aur especially yuvaon ke mamle mein jab main kahun ye bahut hi preventable hai, ye lifestyle associated hai. Agar hum apni lifestyle ko change kar sakte hain to high blood pressure reverse ho sakta hai, diabetes reverse ho sakta hai. To iske liye the first thing of course is to get, you know, it doesn't matter ki aap buzurg nahi hain. सब लोगों को लगता है कि बुजुर्गों को डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होती है, 40 के बाद चेक करेंगे या 50 साल होने के बाद हम चेक करेंगे, अभी तो हम अपने 20s में हैं, क्यों चेक करें। बट आई वुड से लुकिंग एट व्हाट इज हैपनिंग, मैं मेरी एक बहुत ही बिजी क्लिनिकल प्रैक्टिस है, हर दिन मैं 20-30 पेशेंट्स देखता हूँ। आई सी अ लॉट ऑफ वेरी यंग पीपल डायग्नोस्ड विद हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज, उनको पता भी नहीं होता। तो एटलीस्ट वंस इन 6 months आप एक सिंपल सी प्रक्रिया कर रहे हैं, अगर आपकी कंपनी के डॉक्टर है, आपके फैमिली फिजिशियन है, 2 मिनट का टाइम लगता है ब्लड प्रेशर चेक करने में और कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ योर फैमिली फिजिशियन अगर आप करते हैं तो एक स्क्रीनिंग हो जाता है और आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिमेंबर कि हमारे इंडिया में एक पिक्यूलियर प्रॉब्लम है, हमको पेट की चर्बी आती है, एब्डोमिनल ओबेसिटी, ये बहुत ही कॉमन है, और इसको अगर रिवर्स करते हैं तो काफी सारे लाइफस्टाइल डिजीज हम रिवर्स कर सकते हैं।